नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हमीरपुर से नीलकांत भारद्वाज। जैसा कि अभी अभी आपको सूचना मिली है सबको, पूरे प्रदेश में एक खबर आई है, एक ब्रेकिंग न्यूज आई है कि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में जो तैनात एक महिला कर्मी है, वो जो है वो रिश्वत लेते हुए विजिलेंस ने उसे पकड़ा है। तो क्योंकि पूरी खबर जो है वो सोशल मीडिया में वायरल हो चुकी है, सबको इस खबर की जानकारी मिल चुकी है। हम आपको बताएंगे, दिव्य हिमाचल आपको लाइव में बताएगा कि आखिर क्या कहानी है उस महिला की, वो सारी तमाम जानकारी आपको देंगे। अभी अभी हम यहाँ पहुंचे हैं कर्मचारी चयन आयोग में। यहाँ हमारी जो बात है, यहाँ के जो सचिव हैं उनसे बात हुई है और जो यहाँ के जो चेयरमैन हैं उनसे हमारी बात हुई है कर्मचारी चयन आयोग में। पूरा कहाँ पे वो महिला तैनात थी, कैसे कैसे सारा घटनाक्रम हुआ, वो तमाम सारी जानकारी हम आपको देंगे। तो जो हमारे साथ लाइव में जुड़े हैं लोग और जो क्या है असली सच्चाई क्या है वो हम आपको बताएंगे यहाँ पे। ये अभी आपको हम पहले दिखाते हैं यहाँ की जो तस्वीरें हैं, यहाँ की जो कर्मचारी चयन आयोग की, आप ये देख सकते हैं। ये देखिए कर्मचारी चयन आयोग का ये दफ्तर है, ये देख पा रहे हैं यहाँ पे हमीरपुर स्थित ये, और यहाँ पे पूरी तरह से सन्नाटा है क्योंकि जैसे ही सूचना मिली है कि यहाँ पे जो महिला कर्मी है यहाँ पे जो है वो यहाँ पे जो है वो उसको विजिलेंस ने रिश्वत लेते हुए पकड़ा है, तो उसके बाद क्या है कि पूरी तरह से पूरा जो स्टाफ है यहाँ पे पूरा खामोशी का यहाँ पे माहौल है। हम आपको पूरी जानकारी देते हैं कि क्या कुछ हुआ। आपको बता दें कि ये जो पेपर था, ये जो यहाँ पोस्ट कोड जो है वो 965, जी हाँ, JOIT 965 पोस्ट कोड का ये पेपर था, जो कि रविवार को, जी हाँ 25 तारीख को ये पेपर जो था, ये जो प्रदेश भर के जो विभिन्न सेंटर हैं, कितने सेंटर थे ये भी आपको हम बताएंगे, वहाँ पे ये पेपर जो था ये होना था। और इसके लिए जो है बड़ी इसमें जो 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 ज़्यादा ये बात है कि इसमें जितनी भी टीमें थी, बिल्कुल जो यहाँ से कर्मचारी चयन आयोग से जो टीमें थी वो रवाना हो चुकी थी, बहुत सारी टीमें, चाहे वो विभिन्न स्टेशनों में जो थी वो चयन आयोग की टीमें पहुँच चुकी थी, लेकिन इस बीच ही जो ये सारा घटनाक्रम हुआ है उसने कहीं ना कहीं जो है वो आयोग को जो है एक बहुत बड़ी उसमें एक बहुत बड़ी परेशानी में डाल दिया है। और क्योंकि चयन आयोग एक ऐसा स्टेशन है जहाँ से देखिए पूरे प्रदेश के जो क्लास 3 और क्लास 4 के जो जितने भी रोजगार के मामले यहीं से निकलते हैं, यहीं से जो है, तो जो हमें सूचना मिली है वो हम आपसे शेयर करेंगे कि किस तरह से। तो जैसा कि मैंने बताया कि 25 तारीख को जो था वो पेपर था JOIT 965 का, और जो पोस्ट कोड है इसका, इसके लिए आज सुबह सुबह जो था 6 बजे से यहाँ कर्मचारी चयन आयोग से जो है वो टीमें जो थी वो जो थी वो रवाना हो चुकी थी यहाँ के लिए, जो विभिन्न सेंटर बनाए गए थे उसके लिए जितनी भी टीमें थी वो रवाना हो चुकी थी। और ये जो महिला कर्मचारी ये जो पकड़ी गई है, ये महिला कर्मी जो है इनकी ड्यूटी जो है वो घुमारमी जो है वहाँ पे जिला बिलासपुर के घुमारमी में लगाई गई थी इनकी ड्यूटी, क्योंकि जो इनका जो जानकारी मिली कि जो इनका बेटा है उसका जो पेपर था वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में था, इसलिए इनकी जो ड्यूटी है वो जिले से बाहर जो है, जो बिल्कुल जो कायदे कानून होते हैं जो भी, इसलिए इनकी ड्यूटी जो है वो जिले के बाहर लगाई गई थी। और ये महिला कर्मी जो थी आज सुबह ये भी बिलासपुर के लिए रवाना हो गई थी, जो भी इनके जो पूरे जो इनके जो एग्ज़ाम के जो 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 क्वेश्चन क्वेश्चन जो होते हैं क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको लेकर वो वहाँ पे चली गई थी। और जो बाद में इन्होंने जो है वहाँ से ये, क्योंकि कायदे से तो वहाँ पे 3 दिन इन्होंने संडे तक वहीं पर रहना होता है, लेकिन इन्होंने घुमारमी से ये वहाँ से तकरीबन 11:30 बजे घुमारमी से ये वापस जो है वो हमीरपुर में आ गई थी। और हमीरपुर में जो यहाँ पे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में जो इनका यहाँ इन्होंने घर बना रखा है, हालांकि मूल रूप से जो महिला है ये बताई जा रही है ये सुजानपुर से हैं, जो जिला हमीरपुर का जो सुजानपुर उपमंडल है वहां से हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में भी जो अपना एक मकान है इनका बताया जा रहा है वहां पे था। तो यहाँ पे आज ये दोपहर को पहुंची, इन्होंने यहाँ पे इंटीमेट भी किया था कि हम वो यहाँ पे पहुंच गई है 12:30 बजे, यहाँ पे 12:30 बजे यहाँ पे पहुंची है। और उसके बाद इन्होंने जो है यहाँ पे कहा कि वो अरेस्ट करना है, लेकिन विजिलेंस को जो है सूचना थी कि इन्होंने जो है ये जो पेपर हो रहा है इसका जो है इन्होंने इसका सौदा कर रखा था। और जो कि ये अभी तक, क्योंकि देखिए विजिलेंस ने अभी तक बहुत चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं की है, अभी तक जो सूचना है कि इनको 2.5 लाख रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है, और कहाँ पकड़ा गया है इसकी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन जो अभी हम जो पता लगा है कि जैसे कि ये घर पहुँच गई थी तो इन्हें विजिलेंस ने जो है वो इनके घर में जो है वो रिश्वत लेते हुए पकड़ा है इनको। और ये घर पहुंची, विजिलेंस को जैसे ही जानकारी मिली और तो इन्हें वहां पे इनके घर पे जो है वो धर दबोचा गया इनको। और ये महिला जो है यहाँ पे मैं इनका अगर बताऊं इनको, तो ये 2001 से यहाँ पे अपॉइंट है ये कर्मचारी चयन आयोग में, और वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो इनको जो है ये यहाँ पे असिस्टेंट जो है उसके पद पर तैनात थी ये, और इनका जो है 31 जनवरी को इनका प्रमोशन होना था इनको, और इन्होंने सुपरिटेंडेंट बन जाना था इन्होंने,
और जो यहाँ जो कमीशन के जो सूत्र हैं वहाँ से जानकारी मिली है कि बहुत ही ऑनेस्ट थी महिला ये काम के मामले में। अगर इनको रात रात भर यहाँ पे रहती थी, बैठी रहती थी, जब भी इनको बताते थे कि कोई काम है तो इन्होंने कभी भी उसके लिए कभी आनाकानी नहीं की। इसलिए सभी के सभी हैरान हैं कि आखिर ये इतना बड़ा कदम उन्होंने क्यों उठाया। और क्योंकि 31 जनवरी को जो है इनका जो प्रमोशन बताया जा रहा है, इन्होंने सुपरिटेंडेंट बन जाना था। तकरीबन की देखिए जो 22 साल की सर्विस इनकी हो चुकी है यहाँ पे कर्मचारी चयन आयोग में, और लगातार यहाँ पे काम कर रही थी। अभी तक ये पता नहीं लग पाया है कि इससे पहले भी कितना जो है क्या किसी अन्य मामले में भी संलिप्त रही हैं। लेकिन क्योंकि विजिलेंस ने जो है ये पहली बार इस तरह की कार्रवाई कर्मचारी चयन आयोग में हुई है, क्योंकि मैं बता दूँ आपको कि 1998 से यहाँ पे जो है कर्मचारी चयन आयोग यहाँ पे चला हुआ है, लेकिन इस तरह का जो पहला मामला है कि विजिलेंस ने किसी कर्मचारी को यहाँ के जो है वो रंगे हाथ जो है रिश्वत लेते हुए पकड़ा हो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और सबके सब यहाँ पे जो है वो एक बहुत जितना भी यहाँ का जो स्टाफ है वो सदमे में है, और यहाँ की जो हमने बात की है तो कहीं ना कहीं जो है ये लगता है कि और कितने लोग इनके साथ थे हैं या हैं, इसका जो है खुलासा अभी तक तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि विजिलेंस से हमने बात की, जो विजिलेंस की यहाँ पे जो ASP हैं उनसे हमारी बात हो रही थी, लेकिन अभी विजिलेंस जो है वो कुछ भी बताने के उसमें नहीं है। यहाँ पे मैं बात करूँ तो जो सीक्रेसी ब्रांच में ये महिला कर्मचारी तैनात थी, यहाँ पे कमरा नंबर 208 है जहाँ पे इन्हें जो है तैनाती दी गई थी। यहाँ पे दो कर्मचारी यहाँ पे रहते हैं, जितना भी जो सीक्रेट जैसे कि सीक्रेसी ब्रांच यानी कि जितना भी सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो इसी ब्रांच में रहते हैं। इस ब्रांच में ये महिला कर्मी जो है यहाँ पे ये तैनात थी एक लंबे समय से यहाँ पे, क्योंकि इनका मैंने जैसे पहले भी कहा कि इनका जो काम है जो इनका वर्क है उसको देखते हुए जो है इन्हें यहाँ पे जो है वो तैनाती दी गई थी। तो क्या है, हालांकि बहुत सारे जो सोशल मीडिया में ये बातें चलाई जा रही हैं कि पेपर रद्द कर दिया गया है, लेकिन कर्मचारी चयन आयोग पहले इस बात की तसल्ली करना चाहता है कि वाकई में जो पेपर पकड़ा गया है वो इन्हीं का है, और जो क्या बोलते इसकी जो महिला कर्मचारी है वो उन्हीं की है। तो उन्होंने विजिलेंस से जो है वो कॉपी जो है मांगी है, हमने यहाँ के जो सेक्रेटरी से बात की है तो उन्होंने बताया कि विजिलेंस से हमने कहा है कि उसकी जो प्रति है वो हमें मुहैया करवाई जाए, इसकी जो FIR की प्रति है, ताकि हम जो है इसको जो पेपर है इसकी जो अगली प्रक्रिया, क्योंकि 25 को पेपर है परसों, क्योंकि अब दूर दूर से लोग आते हैं बहुत दूर दूर से पेपर देने के लिए विभिन्न सेंटरों में, तो उसको जो है इस सेंटर को जो है या परीक्षा को रद्द किया जाए ताकि जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ पे जो है वो जो 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 पेरेंट्स घरों से अभी तक नहीं आए हैं वो कम से कम जो है वो ना आए। और क्योंकि अभी तक जो सारा जो घटनाक्रम हुआ है वो कहीं ना कहीं जो है उसने एक सवाल और एक दाग लगा दिया है कमीशन के ऊपर, एक बहुत बड़ा दाग लगा है कि जहाँ से तमाम भर्तियाँ जो हैं वो प्रदेश की होती हैं, यहाँ से Class 3 और Class 4 की भर्तियाँ यहाँ से होती हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जरूर लग गया है। लेकिन इसका जो असली क्या सत्य है कितने, क्योंकि बहुत सारे लोग चला रहे हैं कि दो लोग, तीन लोग पकड़े हैं, चार लोग, अभी कितने लोग पकड़े हैं, अभी तक सिर्फ एक महिला कर्मी जो है जो विजिलेंस की हिरासत में है और उसके खिलाफ जो है वो मामला दर्ज हुआ है। इसमें और क्या क्या कड़ियाँ जुड़ेंगी उसका खुलासा जो है वो आने वाले वक्त में जो है वो पता लगा। सुबह ही रवाना हुई थी पूरे प्रदेश के एग्जामिनेशन सेंटरों के लिए, यहाँ से टीमें आज जो थे वो आयोग ने यहाँ से भेज दी थी, इसलिए आयोग के अंदर दफ्तर में इस वक्त जो है वो गिने चुने कर्मी ही आज जो है यहाँ पे मौजूद हैं और देखे गए, और क्योंकि सारा स्टाफ जो है वो बाहर जा चुका है। अगर यही घटनाक्रम एक दिन पहले हुआ होता तो शायद इतना खर्चा जो प्रदेश सरकार के ऊपर पड़ता है, जो लाखों का खर्चा, क्योंकि यहाँ से कर्मी गए हैं सारे के सारे, उनके जो चाहे उनका ट्रैवलिंग का खर्चा हो या तमाम सारे अन्य खर्चे रहते हैं वो बच जाते, लेकिन क्योंकि ये घटनाक्रम हुआ आज दोपहर को, तब तक जो थी पूरी टीमें यहाँ से गुजर चुकी थी, तो ऐसे में जो है एक अननेसेसरी एक बहुत बड़ा जो वर्डन है प्रदेश सरकार के ऊपर जो है वो भी पड़ा है।